बिहार के जमुई जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिला आपस में लड़ती हुई दिख रही है। मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था से हर कोई वाकिफ है, लेकिन ताज़ा वीडियो देखकर यह प्रतीत होता है कि हॉस्पिटल में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सामुदायिक व्यवस्था केंद्र लक्ष्मीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल की ANM रंजना कुमारी और आशा कार्यकर्ता रिंकू देवी के बीच जमकर मारपीट हो रही है। वीडियो में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि दोनों के बीच किस तरह किस बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो रही है। ANM और आशा कार्यकर्ता के बीच तीखी नोकझोंक की वजह क्या थी, हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रसव कराने आई महिला के परिजनों से ANM 2000 रुपये मांगी थी, जिसे लेकर आशा कार्यकर्ता ने विरोध जताया और इसकी शिकायत प्रभारी से कर दी। इसी बात से गुस्साई ANM ने आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट की। दोनों के बीच झोंटा झोटी होती हुई दिख रही है तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से वहां मौजूद एक शख्स ने दोनों को शांत कराया। आशा कार्यकर्ता रिंकू देवी का कहना है कि लक्ष्मीपुर के दीघी की रहने वाली वर्षा कुमारी को प्रसव कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया। उसके बाद जच्चा बच्चा को जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ANM रंजना कुमारी ने मरीज के परिजनों से नवजात बच्चे के टीकाकरण और रजिस्ट्रेशन के एवज में 2000 रुपये मांग कर दी, जिसके विरोध आशा कार्यकर्ता रिंकू देवी ने किया। रिंकू देवी ने इस बात की शिकायत प्रभारी को कर दी। आशा कार्यकर्ता ने बताया कि प्रभारी से शिकायत किए जाने के बाद से ANM रंजना कुमारी गुस्सा हो गई और हमारे साथ मारपीट करने लगी। वहीं इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता ने ANM के ऊपर पैसे मांगने का आरोप लगाया और दोनों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया। दोनों को अपनी बातों को लिखित में देने का आदेश दिया गया है, उसके बाद जाँच का दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें ANM और आशा कार्यकर्ता के बीच किस तरीके से कह सकते हैं कि झोटा झोटी वाली स्थिति है, और एक शख्स वहां मौजूद शख्स ने दोनों के बीच बचाव कर दोनों महिला को शांत कराया है। महिला जो है वो साफ तौर पर आरोप है कि ANM जो है उन्होंने 2000 रुपये टीकाकरण के एवेज और रजिस्ट्रेशन के एवेज में 2000 रुपये मांग की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रभारी को किया। उससे गुस्साई ANM और आशा कार्यकर्ता के बीच झोटा झोटी वाली स्थिति आ गई है। तमाम तस्वीर आपके सामने है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें बिहार। नमस्कार।